ये तो दिच्छी सर जो हमें हमेशा फंसा देते हैं कि औरतों के ऊपर वालों, तो लेडीज प्लीज बुरा मत मानिएगा, थोड़ी देर के लिए प्लीज सफर कर लीजिएगा। शुक्रिया भाई आपकी मेहनतों के लिए। क्या कह रहे हैं सुनेंगे आप? सुनिएगा। जब एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, शादी करते हैं, शादी के दो तीन साल बाद कुछ ऐसा होता है, लड़ते झगड़ते हैं और जो पति होता है परेशान, छोड़िए पति तो परेशान हमेशा ही रहता है, कभी खुश नहीं रहता है। भाई सुनिएगा सभी लोग, आप लोग तो अपने पति से अपने ससुर से क्या कहता है जो पति रहता है, क्योंकि बीवी तो सुनती नहीं है, तो ससुर से कहा जाए, हो सकता है कुछ हो जाए, तो कुछ इस तरह कहता है अपने ससुर से पति, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। और उसमें जो अत्याचार हो रहा है उसे क्या कहता है? बताए मैंने बहुत शांत, एक बार आप भी इजाजत दे दीजिए, चलिए वो नहीं देंगे आप लोग ही दे दीजिए। सुनिए, दफ्तर जाना पड़ता है हम 5 बजे उठ जाते हैं, दफ्तर जाना पड़ता है हम 5 बजे उठ जाते हैं, पहले बर्तन घिसते हैं फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं, पहले बर्तन घिसते हैं फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं, 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है, 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है, कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है, कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है, थप्पड़ खाकर भी जिंदा हूँ हमें संभालो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। साथ नहीं दे रहे आप लोग? अगर आप साथ नहीं देंगे तो ये कभी नहीं देंगी, प्लीज एक बार ताली बजा दीजिए। एक ऐसा जूस है जो लोग हमेशा पीती है महिलाएं, पता नहीं इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है जो उससे बिना पिए नहीं रहती है। सुनिएगा उस जूस का नाम बता रहा हूं, वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, फिर भी मेरा खून पिए दिन नहीं एक पल जीती है, फिर भी मेरा खून पिए दिन नहीं एक पल जीती है, मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है, सिमटना पड़ता है, कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ मुझे उठा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। और जब दोनों में झगड़ा होता है तो झगड़ा क्या, युद्ध होता है, क्योंकि पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता, युद्ध होता है, युद्ध। और युद्ध में जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हथियार, उनका क्या हाल होता है, और एक परमाणु बम जिससे सारे देश थर्राते हैं, उस झगड़े में परमाणु बम का क्या हाल होता है, सुनिएगा। युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, तोपे अस्त्र बहाती है परमाणु बम थर्राते हैं, तोपे अस्त्र बहाते हैं परमाणु थर्राते हैं, घर की खिड़की से बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, घर की खिड़की से बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं, ऐसे में
के नीचे घुस जाते हैं, हम खटिया के नीचे हैं, तुम खैच निकालो पापा जी, रोज रोज के झगड़े से तुम मुझे बचा लो पापा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू शैलवास इतनी बेइज्जती करने के लिए। और अभी